हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सलमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिट्स। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपके लिए हर संडे टैक्स रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली अपडेट है पबजी गेम, या ये कहें कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से रिलेटेड। फ्रेंड्स, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम में नई अपडेट आई है। अब आपको इस गेम में टेस्ला कंपनी की कार और नई गन्स देखने को मिलेंगी। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया एक नया अपडेट मिशन इग्निशन नाम का लिमिटेड टाइम मोड लेकर आया है, जिसमें आपको MG3 नाम की नई गन और एर्नेगल मैप में कई चेंजेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही इस मैप में 6 नए प्लेसेस को जोड़ा गया है। हाई एंड डिवाइसेस के लिए अब 90 FPS का सपोर्ट भी इस गेम में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस गेम की न्यू अपडेट आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग फ़ोन से रिलेटेड। सैमसंग अपना नया फ़ोन गैलेक्सी A03s जल्दी मार्केट में लॉन्च करेगा। सैमसंग का ये अपकमिंग फ़ोन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS पर लिस्ट हो चुका है। कंपनी ने अभी इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं बताया है, लेकिन इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये फ़ोन जैसे ही मार्केट में लॉन्च होगा, मैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट हमें रियलमी की तरफ से मिलती है। रियलमी ने अपना न्यू हैंडसेट C21Y वियतनाम में लॉन्च कर दिया है। ये फ़ोन रियलमी की सी सीरीज़ का एक और फ़ोन है। इंडियन मार्केट में ये फ़ोन जल्दी लॉन्च होगा। ये फ़ोन दो वेरियंट में आएगा, 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल और 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल। प्राइस की बात करें तो इस फ़ोन के बेस वेरिएंट की प्राइस लगभग 10,500 के आसपास हो सकती है। ये फ़ोन इंडियन मार्केट में कब तक आएगा, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी ने नहीं किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट हमें नोकिया की तरफ से मिलती है। नोकिया फोन्स कम्युनिटी पर नोकिया के न्यू हैंडसेट नोकिया XR20 की इमेज डिस्क्लोज हुई है। नोकिया का ये न्यू फ़ोन 27 जुलाई को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नोकिया का ये न्यू फ़ोन नोकिया के X20 मॉडल का अपग्रेड हो सकता है। नोकिया X20 को अप्रैल में लॉन्च किया गया था और अब नोकिया इस मॉडल को अपग्रेड करके नोकिया XR20 के नाम से लॉन्च कर सकती है। नोकिया XR20 में आपको 6.7 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 4360 mAh की बैटरी मिल सकती है। इस फ़ोन में आपको 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्पेस मिल सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट हमें वीवो की तरफ से मिलती है। वीवो जल्दी अपने दो नए हैंडसेट इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा, वीवो S10 और वीवो S10 Pro। वीवो के इन दोनों हैंडसेट्स में आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वीवो S10 और S10 Pro में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। इन दोनों फ़ोन्स में आपको MediaTek Dimensity 1100 प्रोसेसर मिलेगा और ये दोनों फ़ोन 5G नेटवर्क पर काम करेंगे। वीवो S10 और S10 Pro में आपको 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वीवो के इन दोनों फ़ोन्स की डिज़ाइन की बात करें तो इन फ़ोन्स के डिज़ाइन में कंपनी ने फ्लैट फ्रेम का यूज़ किया है, जो एप्पल आईफोन 12 का लुक देता है। वीवो S10 में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल और 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल। वीवो S10 के बेस वेरिएंट की प्राइस लगभग 32,300 के आसपास हो सकती है। वहीं वीवो S10 Pro की बात करें तो इस फ़ोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल, और इस फ़ोन की प्राइस 39,200 के आसपास हो सकती है। वीवो S10 और वीवो S10 Pro में आपको 4050 mAh की बैटरी मिलेगी और इन दोनों फ़ोन्स में आपको 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। फ्रेंड्स, वीवो S10 और S10 Pro सितंबर तक मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट हमें पोको की तरफ से मिलती है। पोको का न्यू 5G हैंडसेट F3GT इंडिया में लॉन्च के लिए तैयार है। ये हैंडसेट 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे से सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा और आप इस हैंडसेट को फ्लिपकार्ट ऐप और flipkart.com से परचेस कर सकते हैं। फ़ोन के स्पेक्स की बात करें तो इस फ़ोन में आपको MediaTek Dimensity 1200 5G प्रोसेसर मिलता है, 6.67 इंच की OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है। इस फ़ोन में आपको 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्पेस मिलता है। फ़ोन में आपको
5065 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में मिलता है एक 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। फ्रेंड्स, आज के इस टेक न्यूज़ के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।